की बात है, बंटी कबूतर जब अनाज लेने दूसरे जंगल जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से वह टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर घर जाता है, तब बंटी की माँ बबली कबूतरी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बंटी, तू तो बहू रानी बहुत सुंदर लाया है। हाँ माँ, तेरे भरोसे रहता ना तो तू तो मेरे लिए घरेलू चिड़िया ही लेकर आती। अरे कमबख्त, अगर तू इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें बोल रही हो? मैं आप सभी की दिलो जान से सेवा करूँगी। अरे बहू, तेरे जेवर तो कितने सुंदर है और तूने कितनी सारी जेवरी पहन रखी है। लगता है तेरे माता पिता बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, वो तो है। और मेरे माता पिता ने मुझसे एक बात बोली है कि ससुराल जाकर मैं अपनी सारी जेवरी अपनी सास को दे दूँ। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बबली कबूतरी अंदर ही अंदर फूले न समाती है। अरे बंटी बेटा, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद, माँ जी ये लीजिए मेरी सारी जेवर, आप इसे अपनी अलमीरा में रख लीजिए। हाँ बहू, ला दे, मैं इसे संभाल कर अपनी अलमीरा में रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी जेवर अपनी सास बबली कबूतरी को दे देती है। अगली सुबह जब बबली कबूतरी सोकर जगती है तो वह देखती है कि उसके गले की सोने की चेन गायब है। अरे टुनटुनी बहू, इधर आ जल्दी। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों इतनी सुबह सुबह तू शोर मचा रही है? अरे बेटा, मेरे गले में जो वो 10 तोले की सोने की चेन थी ना, मेरे गले में वो नहीं है। लगता है किसी ने चुरा ली बेटा। अरे माँ जी, आपकी चेन भला कौन चुराएगा? मुझे लगता है कि आपने उसे खोलकर कहीं रख दिया है और आप भूल गई हो। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा माँ जी, अब मुझे याद आया ना, कल आप बाजार गई थी, लगता है किसी चोर ने आपकी चेन चुरा ली। और माँ जी, आपको तो पता है ना, भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में कितने चोर घूमते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सुबह से परेशान हो रही थी कि घर में से चेन कहाँ गायब हो गई। तब बंटी कबूतर अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं देख रहा हूँ इधर से तुम बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, तुम एक काम करो, घर की सारी चाबियाँ तुम टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी बहू को दे देती हूँ। बबली कबूतरी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। माँ जी, मैं ये चाबियाँ रखकर क्या करूँगी? माँ जी इसे आप ही रखिए। नहीं नहीं बहू, अब इसे तू ही रख। तू देख रही है ना, मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया पूरे घर पर अपना विश्वास जमा चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर अनाज बेचने के लिए अनाज की बोरी लेने जाता है तो देखता है कि घर में एक भी अनाज की बोरी नहीं है। तब वह अपनी माँ बबली कबूतरी के पास जाता है और उससे पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियाँ देखी है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। तू टुनटुनी बहू से पूछ ले, शायद उसी ने कहीं बोरी रख दी हो। अरे नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। बंटी जी, घर की सारी अनाज खत्म हो गई है और आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था। देखो ना बंटी जी, घर में एक भी अनाज नहीं है और आपकी अनाज की बोरियाँ भी गुम हो गई है। अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात, ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम इससे कर लो। राशन कार्ड पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अनाज की बोरियाँ लाने दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद बंटी कबूतर के फोन पर एक SMS आता है। SMS को पढ़कर बंटी कबूतर थोड़ा घबरा जाता है और घर कॉल करता है। अरे बंटी बेटा, अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी, घर के सारे जेवर गायब हैं, किसी ने चुरा ली है। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने अनाज बैंक से मेरे सारे अनाज खाली कर दिए हैं। माँ अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखाने। बंटी कबूतर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कालू कौवा मौजूद था। तब बंटी कबूतर उसे अपनी लुटेरी दुल्हन के बारे में सारी बातें बताता है और कुछ दिनों बाद ही लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार कर ली जाती है। बंटी कबूतर की पत्नी टुनी चिड़िया ने कल ही एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी चिड़िया को जन्म दिया।
बंटी कबूतर जब भी उस चिड़िया को देखता उसका सर भारी हो जाता। वह अपनी चिंता अपनी पत्नी से ना छुपा सका और गुस्से में बोला, पहले से ही चार चार बेटियां थी और अब ये आ गई। मैं ठहरा गरीब तिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इन सभी को। बेचारी टूनी चिड़िया अपने हालात से मजबूर थी, इसलिए वह अपने पति को क्या ही बोलती। वह कभी अपने पति को देखती तो कभी उस मासूम सी चिड़िया को। एक दिन की बात है, जब बंटी कबूतर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था, तभी वहाँ एक अमीर कौवा सेठ आता है जिसका नाम कड़कनाथ था। अरे भाई, क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है। सेठ कड़कनाथ की बातों को सुनकर बंटी कबूतर उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, चिड़िया? हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, पर आपको आपको कैसे पता। अरे भाई, ये सब बात भी भला चुकती है क्या। खैर छोड़ो, मैं निसंतान हूँ और तुम्हारी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपनी चिड़िया दोगे। बंटी कबूतर एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उससे बोला, अरे साहब, मैं ठहरा गरीब मजदूर, किसी तरह दो वक्त की रोटी कमाता हूँ साहब और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप मेरे पास आए यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप ले जाओ इस चिड़िया को साहब, आपके पास रहेगी तो इसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी साहब। मेरे पास रहेगी तो मेरे पास भूख और बीमारी के अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। बंटी कबूतर ने अपनी छोटी सी बच्ची को सेठ कड़कनाथ के हवाले कर दी। सेठ कड़कनाथ ने उस बच्ची को लिया और चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी दिखाई पड़ा। वह नदी के किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। आज मैं उसके भाग्य में लिखी वो बात मिटा दूंगा जो मैं नहीं चाहता। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ उस नन्हे से बच्चे को नदी में फेंक देते हैं। सेठ कड़कनाथ एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे, वे भविष्य देख सकते थे। इतना ही नहीं, अगर वे किसी के बारे में कुछ कह देते थे तो वह होना निश्चित था। कुछ दिन पहले ही सेठ कड़कनाथ अपने बेटे की जन्म कुंडली देख रहे थे। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है, ये कदापि संभव नहीं है। मेरे एक लौते बेटे की शादी एक तिहाड़ी मजदूर की बेटी के साथ होगा। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सेठ कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य शक्ति से उस चिड़िया को देख लिया। उसके बाद आंखें खोलकर वे बोले, अगर मैं भविष्य देख सकता हूँ तो उसे मैं बदल भी सकता हूँ। मैं अपने बेटे का भविष्य बदल दूंगा, मार दूंगा मैं उस चिड़िया को। दूसरी ओर वह नन्ही चिड़िया नदी के बहाव में बहती चली जाती है। और कहते हैं ना, जिसको राखेसाइयां मार सके ना कोई। तभी वहाँ एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ जाता है और नन्ही सी चिड़िया उस कमल के पुष्प के ऊपर जा बैठती है। वह कमल का पुष्प नदी की धारा में बहते जा रहा था। नदी की दूसरी ओर एक धुवन कपड़े धो रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर उस कमल के पुष्प पर पड़ती है तो वह देखती है एक मासूम सी चिड़िया उसमें रोई जा रही है। वह उस मासूम सी बच्ची के पास जाती है और उसे नदी से बाहर निकालती है। देवाड़े देवा, किस निर्दयी ने इस बच्ची को पानी में डाल दिया। अरे, अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं। अरे अरे बिटिया, तू क्यों रो रही है। मैं हूँ ना बिटिया, मैं तेरा ध्यान रखूंगी, मत रो बेटी मत रो। उस धोबन का नाम बबली था। बबली के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसके जीवन में कोई नहीं था, वह अकेली थी। तो उसने इस बच्ची को गोद लेने का फैसला किया और उसने इसका नाम टुनटुनी रखा। समय बीतता गया, अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई थी। इसी बीच बबली कबूतरी की भी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। दूसरी तरफ सेठ कड़कनाथ का बेटा भी जवान हो गया था। एक शाम की बात है, सेठ कड़कनाथ का बेटा शाम का आनंद लेने के लिए घूमने निकला। घूमते घूमते रास्ते में अचानक से तेज तूफान और बारिश होने लगी। इतनी तेज बारिश हो रही है, ऊपर से ये तूफान। तभी बारिश और तेज हो जाती है और तेज तूफान के साथ कालू कौवा नदी में नीचे गिर जाता है। वह बहुत देर तक हाथ पैर मारता है पर नदी से बाहर नहीं निकल पाता और थक कर बेहोश हो जाता है और नदी की धारा के साथ बहती चला जाता। दूसरी ओर टुनटुनी चिड़िया नदी में पानी पीने आई थी, पर इतनी तेज बारिश को देखकर वह घर लौटने का सोच रही थी। तभी अचानक से उसे कालू कौवा बहते हुए दिख
दिखाई देता है। अरे अरे ये कौन है जो नदी के बहाव में बहता जा रहा है? टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे उस तूफान में नदी में चली जाती है और लहरों से लड़कर कालू कौवे की जान बचाती है। अगली सुबह जब कालू कौवे को होश आता है, अरे अरे मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तब टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे को सारी बातें बताई। यह सब जानकर कालू कौवे को टुनटुनी से प्यार हो गया और उसने उसी क्षण टुनटुनी से अपने प्यार का इजहार कर दिया। टुनटुनी ने कालू कौवे के प्यार को स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने पिता के घर गया और अपने पिता सेठ कड़कनाथ कौवे को सारी बातें बताई। क्या तुमने शादी कर ली? और ये लड़की कौन है? अरे इसका गोत्र क्या है और ये किस खानदान से है? तब टुनटुनी चिड़िया ने सेठ कड़कनाथ को सारी बातें बताई। टुनटुनी चिड़िया की बातें सुन सेठ कड़कनाथ ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये क्या, इस काले अध्याय को मैंने कुछ साल पहले अपने हाथों से मिटा दिया था। मैं इस तिहाड़ी मजदूर की बेटी को कभी बहू स्वीकार नहीं कर सकता। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसे अपने बेटे की जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। कुछ दिन बाद जब कालू कौवा अनाज लाने के लिए दूसरे शहर गया, तब सेठ कड़कनाथ ने टुनटुनी चिड़िया को मारने की योजना बनाई। वह एक सपेरे के पास गया और उससे एक बहुत ही जहरीला सांप खरीद लाया। आज मैं फिर से अपने बेटे का भविष्य बदलने जा रहा हूँ। इस सांप को टुनटुनी के कक्ष में छोड़ देता हूँ। जैसे ही यह सांप उसे काटेगा, उसकी मौत हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने बेटे की शादी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया के साथ कर दूंगा। चलो अब इस सांप को छोड़ देता हूँ। जैसे ही सेठ कड़कनाथ ने पिटारे से उस जहरीले सांप को निकाला, उस जहरीले सांप ने सेठ कड़कनाथ को ही डस लिया। सेठ कड़कनाथ दर्द से कराहने लगा, अरे अरे ये क्या, मुझे बचाओ, अरे मुझे सांप ने काट लिया, कोई मेरी रक्षा करो। अरे अरे ये तो पिताजी की आवाज है। पिताजी आप घबराइए नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको बचा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी जान की परवाह किए बिना सेठ कड़कनाथ के पंखों से सांप के सारे जहर को चूस कर बाहर फेंक देती है। तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है और जल्दी से वैद्य को कॉल करता है। वैद्य जी सेठ कड़कनाथ की जांच करते हैं। कुछ देर बाद सेठ कड़कनाथ कौवे को होश आ जाता है। सेठ कड़कनाथ जी, आपको तो अपनी बहू पर गर्व होना चाहिए। आज उसी की वजह से आपकी जान बची है। अगर वह ना होती तो आप इस दुनिया में ना होते। उसने समय पर आपके शरीर से सारा जहर चूस कर बाहर फेंक दिया। जिस चिड़िया को मैंने सदैव मारना चाहा, आज उसी ने मेरी जान बचाई। हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। टुनटुनी बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दो। मेरे बच्चों तुम दोनों सदैव खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। एक बार की बात है, बंटी कबूतर जब अनाज लेने दूसरे जंगल जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात टुनटुनी चिड़िया से होती है। उसे टुनटुनी चिड़िया बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से वह टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ लेकर घर जाता है, तब बंटी की माँ बबली कबूतरी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। अरे बंटी, तू तो बहू रानी बहुत सुंदर लाया है। हाँ माँ, तेरे भरोसे रहता ना तो तू तो मेरे लिए घरेलू चिड़िया ही लेकर आती। अरे कमबख्त, अगर तू इसे लाया है तो क्या ये घर के काम नहीं करेगी? अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें बोल रही हो? मैं आप सभी की दिलो जान से सेवा करूंगी। अरे बहू, तेरे जेवर तो कितने सुंदर है और तूने कितनी सारी जेवरी पहन रखी है। लगता है तेरे माता पिता बहुत अमीर हैं। जी माँ जी, वो तो है। और मेरे माता पिता ने मुझसे एक बात बोली है कि ससुराल जाकर मैं अपनी सारी जेवरी अपनी सास को दे दूँ। टुनटुनी चिड़िया की यह बात सुनकर बबली कबूतरी अंदर ही अंदर फूले न समाती है। अरे बंटी बेटा, तेरी बीवी तो सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी है। थोड़ी देर बाद, माँ जी ये लीजिए मेरे सारी जेवर, आप इसे अपनी अलमीरा में रख लीजिए। हाँ बहू ला दे, मैं इसे संभाल कर अपनी अलमीरा में रख देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी जेवर अपनी सास बबली कबूतरी को दे देती है। अगली सुबह जब बबली कबूतरी सोकर जगती है, तो वह देखती है कि उसके गले की सोने की चेन गायब है। अरे टुनटुनी बहू, इधर आ जल्दी। अरे माँ क्या हुआ, क्यों इतनी सुबह सुबह तू शोर मचा रही है?
अरे बेटा, मेरे गले में जो वो 10 तोले की सोने की चेन थी ना, मेरे गले में वो नहीं है। लगता है किसी ने चुरा ली बेटा। अरे माँ जी, आपकी चेन भला कौन चुराएगा? मुझे लगता है कि आपने उसे खोलकर कहीं रख दिया है और आप भूल गई हो। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने जब उसे उतारा ही नहीं तो रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा माँ जी, अब मुझे याद आया ना, कल आप बाजार गई थी, लगता है किसी चोर ने आपकी चेन चुरा ली। और माँ जी, आपको तो पता है ना, भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में कितने चोर घूमते हैं। अरे हाँ बहू, मैं तो भूल ही गई थी कि कल मैं बाजार गई थी और मैं सुबह से परेशान हो रही थी कि घर में से चेन कहाँ गायब हो गई। तब बंटी कबूतर अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं देख रहा हूँ इधर से तुम बहुत भुलक्कड़ हो गई हो, तुम एक काम करो, घर की सारी चाबियाँ तुम टुनटुनी को दे दो। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, मैं अभी सारी चाबियाँ टुनटुनी बहू को दे देती हूँ। बबली कबूतरी घर की सारी चाबियाँ टुनटुनी चिड़िया को दे देती है। माँ जी, मैं ये चाबियाँ रख कर क्या करूँगी? माँ जी इसे आप ही रखिए। नहीं नहीं बहू, अब इसे तू ही रख। तू देख रही है ना, मेरी याददाश्त कितनी कमजोर होती जा रही है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया पूरे घर पर अपना विश्वास जमा चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर अनाज बेचने के लिए अनाज की बोरी लेने जाता है तो देखता है कि घर में एक भी अनाज की बोरी नहीं है। तब वह अपनी माँ बबली कबूतरी के पास जाता है और उससे पूछता है, माँ आपने अनाज की बोरियाँ देखी है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। तू टुनटुनी बहू से पूछ ले, शायद उसी ने कहीं बोरी रख दी हो। अरे नहीं माँ, टुनटुनी को भी नहीं पता। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आती है। बंटी जी, घर की सारी अनाज खत्म हो गई है और आज ही मुझे शॉपिंग करने जाना था। देखो ना बंटी जी, घर में एक भी अनाज नहीं है और आपकी अनाज की बोरियाँ भी गुम हो गई है। अरे टुनटुनी, बस इतनी सी बात, ये लो मेरा राशन कार्ड, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम इससे कर लो। राशन कार्ड पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और शॉपिंग करने चली जाती है। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अनाज की बोरियाँ लाने दूसरे जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद बंटी कबूतर के फोन पर एक SMS आता है। SMS को पढ़कर बंटी कबूतर थोड़ा घबरा जाता है और घर कॉल करता है। अरे बंटी बेटा, अभी मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी, घर के सारे जेवर गायब हैं, किसी ने चुरा ली है। माँ ये टुनटुनी का काम है, उसने अनाज बैंक से मेरे सारे अनाज खाली कर दिए हैं। माँ अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन उसकी रिपोर्ट लिखाने। बंटी कबूतर जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कालू कौवा मौजूद था। तब बंटी कबूतर उसे अपनी लुटेरी दुल्हन के बारे में सारी बातें बताता है और कुछ दिनों बाद ही लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार कर ली जाती है। बंटी कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया ने कल ही एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी चिड़िया को जन्म दिया। बंटी कबूतर जब भी उस चिड़िया को देखता उसका सर भारी हो जाता। वह अपनी चिंता अपनी पत्नी से ना छुपा सका और गुस्से में बोला, पहले से ही चार चार बेटियां थी और अब ये आ गई, मैं ठहरा गरीब तिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इन सभी को। बेचारी टूनी चिड़िया अपने हालात से मजबूर थी, इसलिए वह अपने पति को क्या ही बोलती। वह कभी अपने पति को देखती तो कभी उस मासूम सी चिड़िया को। एक दिन की बात है, जब बंटी कबूतर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था तभी वहाँ एक अमीर कौवा सेठ आता है जिसका नाम कड़कनाथ था। अरे भाई, क्या तुम्हारे यहाँ किसी चिड़िया का जन्म हुआ है? सेठ कड़कनाथ की बातों को सुनकर बंटी कबूतर उसे घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए बोला, चिड़िया? हाँ, कुछ दिन पहले ही मेरी पत्नी ने एक चिड़िया को जन्म दिया है, पर आपको आपको कैसे पता? अरे भाई, ये सब बात भी भला छुपती है क्या? खैर छोड़ो, मैं निसंतान हूँ और तुम्हारी चिड़िया को गोद लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी चिड़िया दोगे? बंटी कबूतर एक बार फिर उसे घूर घूर कर देखने लगा और उससे बोला, अरे साहब, मैं ठहरा गरीब मजदूर, किसी तरह 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ साहब और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। आप मेरे पास आए यह कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप ले जाओ इस चिड़िया को साहब, आपके पास रहेगी तो
इसकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी साहब। मेरे पास रहेगी तो मेरे पास भूख और बीमारी के अलावा इसे कुछ नहीं मिलेगा। बंटी कबूतर ने अपनी छोटी सी बच्ची को सेठ कड़कनाथ के हवाले कर दी। सेठ कड़कनाथ ने उस बच्ची को लिया और चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा नदी दिखाई पड़ा। वह नदी के किनारे जा खड़ा हुआ। आज मैं अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिखूंगा। आज मैं उसके भाग्य में लिखी वो बात मिटा दूंगा जो मैं नहीं चाहता। इतना कहकर सेठ कड़कनाथ उस नन्हे से बच्ची को नदी में फेंक देते हैं। सेठ कड़कनाथ एक बहुत ही बड़े ज्योतिषी थे। वे भविष्य देख सकते थे। इतना ही नहीं, अगर वे किसी के बारे में कुछ कह देते थे तो वह होना निश्चित था। कुछ दिन पहले ही सेठ कड़कनाथ अपने बेटे की जन्म कुंडली देख रहे थे। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? ये कदापि संभव नहीं है। मेरे एक लौते बेटे की शादी एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी के साथ होगा? नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सेठ कड़कनाथ ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य शक्ति से उस चिड़िया को देख लिया। उसके बाद आंखें खोलकर वे बोले, अगर मैं भविष्य देख सकता हूँ तो उसे मैं बदल भी सकता हूँ। मैं अपने बेटे का भविष्य बदल दूंगा। मार दूंगा मैं उस चिड़िया को। दूसरी ओर वह नन्ही चिड़िया नदी के बहाव में बहती चली जाती है। और कहते हैं ना, जिसको राक्षसाइयां मार सके ना कोई। तभी वहां एक कमल का पुष्प बहता हुआ आ जाता है और नन्ही सी चिड़िया उस कमल के पुष्प के ऊपर जा बैठती है। वह कमल का पुष्प नदी की धारा में